मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई टीच यू सम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ लेसन वन। ओके स्टूडेंट, लेसन वन में हमने कल की क्लास में लिविंग थिंग्स पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट, तो आज हम देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। क्या कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो है, निर्जीव वस्तु जो है, वह खुद से जो है मूव नहीं हो सकता है, यानी घूम नहीं सकता है। दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, ग्रॉ, ब्रीथ और हैव यंग वन। क्या कह रहा है, दे डू नॉट नीड, उनको नहीं है जरूरत किस चीज़ का, वाटर का, पानी का जरूरत नहीं है उसको, फूड की जरूरत नहीं है उसको, वह बढ़ता भी नहीं है, वह सांस भी नहीं लेता है और वह अपने समान बच्चे को भी जन्म नहीं देता है ना। कार, टेबल, चेयर, टॉय एंड पेंसिल आर सम नॉन लिविंग थिंग्स। और जिसने जो जो नाम मैंने पढ़ा है वो सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। कार, टेबल, चेयर, टॉय, पेंसिल, हाँ, फैन, टीवी, टेलीविजन, ये टोटल जो है जो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग जो अपने जगह पर स्थित रहता है, वह मूव नहीं करता है, उसको जब तक आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं रखेंगे वह सेम जगह पर बैठा हुआ रहेगा। ओके, इसी को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, जो न बढ़ता है, न खाता है, न पानी पीता है, न अपने समान बच्चे को जन्म देता है, हाँ, तो उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, थिंग्स सच एज कार, टॉय, बुक्स, पेन एंड क्लॉथ्स आर मेड बाय पीपो, दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। और ऐसे वस्तु जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है, हमारे घर में या हमारे आसपास बहुत से ऐसे वस्तु देखने को मिलता है जिन्हें आदमी ने बनाया है, उसको हम मैन मेड थिंग्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल थिंग्स। सम थिंग्स सच एज द सन, प्लांट, एनिमल एंड वाटर आर फाउंड इन नेचर। क्या है, सम थिंग्स सच एज सन, प्लांट, एनिमल एंड वाटर आर फाउंड इन द नेचर, ये सब हमको कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इसको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। देख लीजिए, सन, क्लाउड, वाटर, माउंटेन, ट्री, हाँ, ये सब क्या है, नेचुरल थिंग्स है। क्वेश्चन, नेचुरल थिंग्स, थिंग्स डैट आर फाउंड इन नेचर, नेचुरल थिंग्स उसको कहते हैं जो हमको प्रकृति से मिलता है, और मैन मेड थिंग्स जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन, इसका आज आपने पढ़ा लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और नेचुरल थिंग्स। अब ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया, कल के क्लास में आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट।